वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा 4, 13, 22 और 31 मई को पैदा हुए जातकों के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मेरी चर्चा आज होगी 4, 13, 22 और 31 मंथ मई। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों के पास अपने जन्म का टाइम नहीं पता, जिन्हें अपने जन्म का सन का नहीं पता, वो अपना जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते। इस कारण से सिर्फ उन्हें अपनी तिथि पता है कि मेरा जन्म 4, 13, 22, 31 मई को हुआ है। उन जातकों के लिए ये मेरी खास वीडियो है। यदि वो मेरे इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, देखेंगे, तो उन्हें अपने जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय के बारे में पता लगेगा। तो वो अगर और उनके जीवन में कौन सी अच्छाइयाँ हैं और कौन सी बुराइयाँ हैं, तो उनके बारे में मैं संक्षिप्त आपको प्रकाश डालूंगा उसके ऊपर। दूसरा, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर मेरी कुछ चर्चा होगी, और मैं अंत में आपको कुछ शुभ रंग के वस्तुओं के बारे में बताऊंगा, जिससे यदि आप धारण करते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत ही सुखमय हो जाता है। दोस्तों तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा बनाने का तात्पर्य यही है कि मैं आपको आपके जीवन काल के संक्षिप्त रूप में एक घटनाक्रम की संक्षिप्त जानकारी दे सकूं, जिससे आप अपने अच्छे गुणों को, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, उन्हें और विकसित कर सकें, और जो कुछ कमियाँ हैं, क्योंकि इंसान अच्छाइयों और कुछ कमियों का पुतला हर इंसान है, तो कुछ कमियाँ हैं तो उन कमियों पर हम वर्क करें, काम करें, और उन कमियों को अपने अंदर से निकालें, जड़ मूल से उनका नाश करें और अपने जीवन को सुखमय और सुंदर बना सकें। इसी प्रयास को आगे ध्यान में रखते हुए मेरा ये वीडियो उन सभी जातकों के लिए है जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मई को दोस्तों हुआ है, और जिनके पास अपनी जन्म कुंडली, अपना हॉरोस्कोप नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जन्म के सन का नहीं पता, अपने एक्चुअल टाइम का नहीं पता, सिर्फ उन्हें अपनी तिथि का पता अवश्य है कि मेरा जन्म 4 मई को, 13 मई को, 22 मई को या 31 मई को हुआ है। तो वो सभी जातक मेरे इस वीडियो को बार बार सुनें, ध्यान से सुनें, तो उन्हें अपनी अच्छाइयों का भी पता लगेगा, जो उनके अंदर कमजोरियां हैं उनका भी पता लगेगा। यदि कुछ कमजोरियां मैं बताऊं तो उसे आपने अपने चित्त पर नहीं लगाना, अपने मन पर नहीं लगाना, बल्कि उस पर आपने वर्क करना है कि उन कमजोरियों को ख़त्म करने पर। दोस्तों तभी मैं अपने उद्देश्य को सार्थक मानूंगा, क्योंकि हर इंसान में, मैं फिर कह रहा हूं दोबारा, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमजोरियाँ भी हैं। तो अगर हम कमजोरियों को सुनकर अपने चित पर लगा लें तो फिर मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल नहीं होगा। दोस्तों तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमें हमारी कमजोरियों का भी पता लगे और हमारी अच्छाइयों का भी पता लगे, अच्छाइयों को हम बढ़ाएँ और कमजोरियों पर वर्क जरूर करें, जिससे हमारा जीवन खुशहाल और सुखमय जीवन हम व्यतीत कर सकें। यही मेरे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है।
जिसे मैं समझता हूँ आप ने पूरा ध्यान से अमल में लाना है। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों। जिन जातकों का जन्म 4, 13, 22 और 31 मई को हुआ है, मैं निश्चित तौर से ये बात आपको कहता हूँ, बहुत सुंदर दार्शनिक, फिलोसोफर, राइटर और म्यूजिशियन, ये काम आपके जीवन के लिए अति अति शुभ हैं और आप इस तरह की सोच में ही आपका जन्म हुआ है। ऐसे ग्रह योग आपके बनते हैं कि आप इन कामों में बहुत ख्याति प्राप्त करेंगे, बहुत नाम प्राप्त करेंगे यदि आपने अपने आप को इन कामों में लगाया। मैंने काम की चर्चा की, मैं दोबारा उन कामों की चर्चा फिर कर दूं। एक अच्छे दार्शनिक हैं आप, एक बहुत अच्छे लेखक हैं आप और एक बहुत सुंदर संगीतकार के रूप में यदि अपनी किस्मत को आजमाते हैं तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा सफलताओं को पाएंगे। अपने आप को संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत को अपनाएं, राइटर के रूप में अपनी किस्मत को आप आजमाएं, बहुत नाम और यश आपको मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये गुण आप में जन्म जात कूट कूट कर भरे हैं, इन गुणों के भंडार हैं आप। 4, 13, 22 और 31 मई के सभी जातक दोस्तों, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। आपके जीवन में अनेक बाधाएं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन बहुत सुंदर बात मैं अब कह रहा हूँ, आप उन बाधाओं को चीरते हुए उनमें से अवसरों को निकाल लाएंगे और सर्वोत्तम अपने गुणों का परिचय देते हुए भरपूर सफलता को आप पाने वाले जातक हैं। 4, 13, 22 और 31 मई के सभी जातकों के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपके जीवन में आर्थिक मामलों में, फाइनेंशियली रूप से जीवन में अनेक परिवर्तन आने की पूरी पूरी संभावना है और वो अचानक आएंगे और अप्रत्याशित रूप से आएंगे। ये 4, 13, 22 और 31 मई के जातकों के बारे में मैं ये कह रहा हूँ। 4, 13, 22 और 31 मई के सभी जातक सामने वाले व्यक्ति से इनके विचार आसानी से मेल नहीं खा पाते। आपके काम तथा विचारों का आम तौर से विरोध होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके काम तथा विचारों का आम तौर से विरोध होता है और सामने वाले जातक से आपके विचार आसानी से मेल नहीं खाते। फिर मैं कह रहा हूँ, आप बाधाओं को चीरने वाले जातक हैं। 4, 13, 22 और 31 मई के जातक इन बाधाओं को चीरकर अपने अनुकूल बनाकर अपने सर्वोत्तम गुणों का परिचय देकर सफलताओं को पाने वाले जातक हैं आप दोस्तों। 4, 13, 22 और 31 मई के जो जातक हैं वो अपने वातावरण में बहुत आसानी से रच खप नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, ये जो बातें बता रहा हूँ मैं, इसको आपने पॉजिटिव वे में लेना है कि अपने आप को उस ढंग से चेंज करना है कि आप रच खप पाने वाले व्यक्तित्व आपने निर्माण करना है।
लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसे पॉजिटिव वे में लेना है कि 4, 13, 22 और 31 मई वाले व्यक्ति जितने भी हैं वो सभी व्यक्ति वातावरण में आसानी से रचखप नहीं पाते। आप बहुत आप ना अपने तक ही सीमित रहते हैं। ऐसे सभी जातक जो 4, 13, 22 और 31 मई के पैदा हुए जातक हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने तक सीमित रहते हैं। बहुत कम ही इनके दोस्त साथी, बहुत मित्र वगैरह बहुत कम होते हैं, और जो इनके मित्र होते हैं उनका ये पूरा दिलो जान से ख्याल रखते हैं। 4, 13, 22 और 31 मई के सभी जातक। अब मैं बता दूं दोस्तों कि आप में कौन सी वो खूबी है। आप में एक अच्छा राइटर बनने की बहुत बड़ी खूबी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 4, 13, 22 और 31 मई के सभी जातक यदि ये अपनी खूबी को उभार सकें तो बहुत अच्छे राइटर बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे एक्टर, कलाकार। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर एक्टर होते हैं ऐसे जातक जो 4, 13, 22 और 31 मई को जिनका जन्म हुआ है। आप एक इन्वेंशन करने वाले जातक हैं। आप किसी चीज़ का आविष्कार करने की क्षमता आपके अंदर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 4, 13, 22 और 31 मई के जातकों में आविष्कार करने की क्षमता है, इन्वेंशन करने की, जैसे आविष्कार, कोई नई चीज़ को पैदा कर देना। थोड़ा सा अपने आप को एकाग्रचित होकर इस तरफ लगा दें आप, निश्चित तौर से इन क्षेत्रों में आप सफलताओं के शिखर तक पहुंचने वाले जातक हैं। 4, 13, 22 और 31 मई के सभी जातक। ऐसे सभी जातक जिनका 4, 13, 22 और 31 मई को जन्म हुआ है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, ऐसे सभी जातक किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। किसी के साथ मिलकर काम करना इनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। जी हाँ, वो जातक जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मई को हुआ है दोस्तों। बात मैं करूँ इनके फाइनेंशियल कंडीशन की, इनकी आर्थिक स्थिति की, तो रुपये पैसे के मामले में भी आपकी अजीब हालत रहेगी। पैसे भी अप्रत्याशित रूप से आते हैं और अप्रत्याशित ढंग से आपके पैसे खर्च भी होते हैं। जो रोज़मर्रा के काम हैं वो आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। आप यदि राइटर, पेंटर या म्यूजिशियन, इन कामों में अपने को आप लेकर जाते हैं तो यहाँ आप भरपूर सफलता की आपको आशा है और इन क्षेत्रों में आपको भरपूर सफलता अवश्य मिलती है दोस्तों। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं कि 4, 13, 22 और 31 मई के जातक जो हैं उनके हेल्थ के बारे में मैं बात करूं। स्वास्थ्य की स्थिति भी 4, 13, 22 और 31 मई वालों की थोड़ी भिन्न होती है आम जातकों से। बीमारी अचानक आती है और कभी कभी उस बीमारी का निदान ढूंढ पाना बहुत कठिन हो जाता है। खासकर ये अपने पेट का ध्यान रखें,
पेट में दर्द, पेट में मरोड़, पेट में जख्म, नज़ला जुकाम, इन्फेक्शन, फेफड़ों में, लंग्स में स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम होने की इन्हें संभावना रहती है, जिसका ये खास ख्याल रखें। भोजन को थोड़ी थोड़ी देर में लिया करें। इन्हें मैं थोड़ी सी बात समझाऊंगा इस स्वास्थ्य के मामले में कि भोजन को थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ हल्का हल्का भोजन लिया करें, जो इनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। और कौन सा भोजन इन्हें सूट करता है, इन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार इन्हें खुद पता होता है, उस भोजन को ये कुछ देर के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया करें, जो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर होने वाला है। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूं 4, 13, 22 और 31 मई के जातकों के लिए वो जो फेवरेबल कलर हैं, जो इनके अनुकूल रंग हैं, शुभ कलर हैं इनके लिए, जो यदि अपने जीवन में उन रंगों को ये स्थान देते हैं, ऐसे जातक जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 मई को हुआ है, तो इन्हें जीवन में भरपूर सफलता, मानसिक संतोष और जीवन बहुत स्मूथ और खुशहाल बीतता है, यदि वो इन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में जगह देते हैं। तो सबसे पहला कलर है गोल्डन, दूसरा कलर है येलो, नारंगी, ब्राउन, स्लेटी और ब्लू। इन कलरों को अधिक से अधिक अपने जीवन में स्थान दें, इन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में अधिक से अधिक धारण करें। इससे इन्हें जीवन में सफलता, खुशहाली, समृद्धि और तंदुरुस्ती हर तरफ से इन्हें फायदा होने वाला है, यदि मेरे बताए हुए इन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में 4, 13, 22 और 31 मई के जातक जगह देते हैं। तो दोस्तों, अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।